मध्य प्रदेश के कटनी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय भव्य श्री मज्जनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा समारोह का विधिवत समापन हुआ। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में 4 से 6 मई के मध्य वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समापन हुआ। 4 मई को कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यशाली महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर धूमधाम से घट यात्रा निकाल कर किया था। घट यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर याग मंडल विधान का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। कार्यक्रम में भक्तों ने मधुर संगीत पर भक्तिमय नृत्य कर जिनेन्द्र भगवान की आराधना की। तीन दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन वेदी प्रतिष्ठा की गई, जहां भक्तों ने मुनि संघ के सानिध्य में श्री जी की प्रतिमा को नवीन वेदी में विराजमान किया। इसी के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। कार्यक्रम का समापन विश्व शांति महायज्ञ के साथ किया गया। इस अवसर पर भक्तों को मुनिश्री की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आपने अपनी दृष्टि को सिर्फ एक तक सीमित बना लिया तो ये भी बहुत बड़ा त्याग माना जाता है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। उस वातावरण में रहते हुए जहाँ चारों तरफ व्यक्ति को नीचे गिराने के संसाधन मौजूद हैं, फिर भी उसने इतना संयम अपने भीतर ला लिया, इतना कंट्रोल ला लिया कि ठीक है मैं एक ही तक सीमित रहूँगा, तो ये आपका बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प माना जाता है, दृढ़ता मानी जाती है, पुरुषार्थ माना जाता है, नियम माना जाता है, और इसको आचार्य भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत कह दिया आपके लिए। भक्तिमय कार्यक्रमों में जैन संतों का सानिध्य पाने का अवसर वास्तव में भक्तों के पुण्य का उदय माना जाता है। ऐसा ही अवसर कटनी वासियों को मिला, जब परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा समारोह का सफल आयोजन हुआ। जैन फोकस के लिए कटनी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।